नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं सारंगखेड़ा 2023। तो मुलाकात करते हैं कनु काका से, जो स्पेशल गुजरात से घोड़े लेकर सारंगखेड़ा आए हैं। तो अपना पूरा नाम सर? केडी पटेल, कनु भाई देसाई भाई पटेल। अच्छा, कौन सी जगह से हैं आप? मैं गुजरात कपड़वन से, बाजू के गांव नवा गांव से आया हूँ। नवा गांव से आए हैं, तो क्या आप हर साल आते हैं, फर्स्ट टाइम है सारंगखेड़ा? नहीं, ऐसे घूमने तो मिले में सारंगखेड़ा में आते हैं, पर ये साल घोड़ा लेके आए हैं। अच्छा, साल घोड़ा लेके आए हैं। हाँ, तो ये जो घोड़ा आपने दिखा रहे हैं, कौन से घोड़े का बच्चा है ये? वो आलिशान का बच्चा है, रोहितगढ़ से। हाँ, रोहितगढ़। कितनी उम्र का हो गया ये? ये 12 साल का हो गया। आलिशान का बच्चा है, 12 साल का हो गया। हाँ, आपके पास कितने साल से है? मेरे पास 11 साल से है। 11 साल से आपके पास? हाँ, 24 महीने का था तब से मैंने राजस्थान में अकोली और कालिंद्री से गंगाराम जी से पास से लिया था मैं। वो अच्छा, ठाकुर गंगाराम जी जो हाँ, से लिया था, उसके पास से लिया था, 24 महीने का बच्चा। अच्छा, तब से आप ही के पास? हाँ, तब का ही मेरे पास है। और अगर बात करें इसकी रिजल्ट की, तो फिर कैसा रहा इसका रिजल्ट? तो बहुत अच्छे देते हैं बच्चिया, पंच कल्याण आती है और 22-23 महीने में 63-64 की हाइट पे हो जाते हैं बच्चे सब। उसका साउथ में बच्चा वो गुंजा स्टड फॉर्म में उर्विन चौधरी पटेल है, उसने 7 लाख की बच्ची साउथ में दी है। मैंने एक बच्चा बूंदी कोटा में, वो एसपी है, उसको एक दिया है 11 लाख में। गुड। हाँ, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसका। हाँ, अभी घर पे कितने घोड़ा घोड़ी हैं आपके पास में? मैंने घोड़िया थी मेरे, अब मेरी उम्र से मैंने सब निकाल दिया घोड़िया, अब घोड़ा एक मेरे पास है। अभी अभी तो जवान हुए हो, निकाल काहे दिए हो? लगते हैं जवान, अभी तो हार्ट अटैक आ गया है मेरे को। घोड़े वाले को पहला बंदा सुनो जो हार्ट अटैक आता नहीं एक्चुअल में, ऐसा क्यों हुआ? आप तो बड़े यंग लगते हैं और घोड़ों में इतनी एनर्जी, हार्ट अटैक आता ही नहीं है? नहीं, मेरे पास मेरे काऊ है, इसने काऊ ने मुझे गिरा दिया था। अच्छा, इसी वजह से मेरे हार्ट में जो सूजन आ गया था, इससे मेरी नस ब्लॉक हो गई थी, इसमें मुझे स्टैंड लगवाना पड़ा। हिम्मत रखो, हिम्मत, घोड़े दो चार और बांध लो। हिम्मत तो आज भी है, देखो दो चार घोड़े और बांध लो, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। तो क्या ख्याल है? सही बात है, इतने साल से घोड़े रखते आ रहे हो, 40 साल 50 साल हो गए ना आपको। अच्छा, तो बात करें आपके जीवनी में कि सबसे पहला जो घोड़ा खरीदा था वो कौन सा था आपका? ईस्ट जयमंगल घोड़ा मैंने खरीदा था जी। उसकी क्या निशानी, क्या खासियत थी उसको? उसका दो पांव आगे वाला फतेहगंज था और उसकी दो आंख सफेद थी। अच्छा, कितने साल रहा फिर वो घोड़ा आपके पास में? ये घोड़ा मेरे पांच साल रहा। अच्छा, राइडिंग का शौक है खास करके? हाँ, राइडिंग का शौक था। अच्छा, एक बात कहाँ तक सच है कि एक राइडर जो है राइडिंग करके जो अपने ब्रीडर बनते हैं या वो अच्छा ज्यादा रहता है कि डायरेक्ट ही घोड़े का ले बेच करना शुरू कर रहे तो वो अच्छा रहता है? नहीं नहीं, जो राइडिंग पहले से सीखता है और आहिस्ता आहिस्ता जो घोड़ा में जाता है वही अच्छा है, उसको रस उसको नॉलेज ज्यादा रहता है, लगता है उसको, घोड़ों का नशा हो जाता है उसको। नशा हो जाता है उसको, भले बुरे की पहचान रहती है। हाँ, रहती है। लेकिन कुछ नए जो है मतलब राइडिंग नहीं करते, खाली घोड़ा खरीद के रखते हैं, तो उसमें क्या रहता है? पैसों से वजह से अभी तो बड़े हो जाते हैं। अच्छा, ज्ञान नहीं होता उन लोगों को घोड़ों को, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसी बाल भमरी वाला घोड़ा रखना है या नहीं रखना है, वो सब तो वो लोगों को पहचान नहीं होती है। बाल भमरी में आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। अच्छा, इसमें अशुभ भमरी का कितना बड़ा योगदान रहता है इंसान की जिंदगी में? जो उसकी गर्दन पे केसवाई आती है, उसके नीचे वो ठाठड़ी की चार भमरी आती है, वो अशुभ है। उसको छाती भमरा है, वही अशुभ है। ओके। इसके नीचे गोम की भमरी आती है तंग के नीचे। अच्छा, वही अशुभ है। आंसू डल वाली भमरी भी अशुभ है उसको। और बेड़ा फोड़ जो कपार में भमरी आती है दो आंख के बीच में, इसमें जो बड़ी भमरी ऊपर होती है, नीची भमरी नानी छोटी नीचे होती है, वो बेड़ा फोड़ बोलता है उसको। और साफी होता है, वो भी अशुभ माना जाता है। साफी जिसको कोई ब्लेज नहीं, ब्लेज टीका नहीं, कोई सफेद दाग नहीं, कुछ पाँव में नहीं और कपार में भी नहीं, कोई जगह पे उसको सफेद नहीं होता, उसको साफी बोलते हैं। आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसी अप्रिय घटना घटी हो बाल भंवरी का, जिसपे आप दोष देते हो कि अगर वो घोड़ी नहीं होती? मैं तो लाया ही नहीं कभी ऐसी, कोई नजदीक दूर में ऐसी कोई घटना? कोई नहीं, बचपन से मेरा दोस्त गुल्लू चाचा करके था हमारी पड़ोस के गाँव के सुल्तानपुर का, उसने मुझे सिखाया, वो मेरा गुरु है। ओके। सभी भंवरियों और घोड़ा कैसा होना चाहिए, चमड़ी कैसी होनी चाहिए, घोड़ा उसका डाप कैसा होना चाहिए, गाला कैसा होना चाहिए, ये सब उन्होंने मुझे सिखाया है। तो चमड़ी कैसी होनी चाहिए घोड़े की? चमड़ी बिल्कुल पतली होनी चाहिए घोड़े की, चमकदार होनी चाहिए, पूंछ भी उसकी पतली होनी चाहिए। अच्छा, ये रूपाले घोड़े की मतलब हाँ होती है, खासियत है ये इसका। और डाप बड़े? डाप तो इसका गाला और डाप कम्प्लीट, अपनी जो वाड़की आती है इस तरह का होना चाहिए, मुठ मुठ के डाप उसके
घुटन और डाब के बीच में मुठ का गाला होना चाहिए। डाब मिले की सुम की बात? हाँ, सुम की बात। सुम बड़ा होना चाहिए? हाँ, सुम बड़ा होना चाहिए। ऊपर से छोटा और नीचे से पौरा सुम, वो घोड़ा कभी लिसपता नहीं, उसका पांव बगड़ता नहीं। और अगर बात करें अपने हाइट की, तो जो राइडिंग में यूज आने वाले घोड़े हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? वो तो 62 प्लस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो अपने एवरीडे राइडिंग। हाँ, वो मारवाड़ ब्रीड में जो 62 से 63 का होता है वही होना चाहिए, बाकी ऊपर जो हो नहीं चलती है। अच्छा, वो आप कूद के बैठ नहीं सकते, रास्ते में कहीं दिक्कत आया, कोई भैंस आ गई, कोई गाय बैल आ गया, घोड़ा चमक गया, आप उतर गए तो आप बैठोगे कैसे? कूद नहीं सकते तो बड़े घोड़े पर बैठ कैसे सकते हो? आपका काठियावाड़ी घोड़ों के बारे में क्या नजरिया है, उन पर भी राइडिंग की आपने कभी? काठियावाड़ी पहले रखता था मैं, पर वो चलने में बहुत दिक्कत देता है, जो चलना पड़ता है तो ऐसे आगे पाछे होता है, और कहीं अपन को बाढ़ जाले में बावर में कहीं घुस जाता है लेके। अच्छा, पावरफुल ज्यादा रहता है वो? हाँ, वो करंट में ज्यादा रहता है, करंट ज्यादा वो चलने में दिक्कत होती है, तो थकता है तो सवार को गिरा देता है वो। अच्छा, गिरा देता है, थोड़ा मजबूत ज्यादा होता है वो? हाँ, मजबूत ज्यादा होता है घोड़ा। सिंधी भी रखे आपने? हाँ, सिंधी भी रखे हैं, मैंने पहले सिंधी घोड़े से चालू किया था। अच्छा, तो जो कंटिन्यू राइडिंग करने वाला है उसके लिए कौन सा घोड़ा सजेस्ट करेंगे, जो रोज चढ़ता है 20-25 किलोमीटर, जिसको सवारी चाहिए? उसको तो सिंधी घोड़ा लेना चाहिए, थकता नहीं है वो? कुछ भी नहीं, तुम आग में से निकालो निकलेगा, पानी से निकालो निकालो, पहाड़ पर से गिराओ तो गिर जाएगा, वो पीछे हटने वाली नस्ल नहीं है सिंधी घोड़ा। अब तो ये लोगों को शौक हो गया मारवाड़ का सुंदरता, इसमें लोग ज्यादा मारवाड़ में चल गए। आपको अच्छा, सिंधी घोड़े में हाइट कितनी होनी चाहिए? सिंधी घोड़ा में हाइट लगभग 57 से लेके ना 61 तक की। ये सिंधी घोड़े की खास? सिंधी घोड़े की खास। और कौन से पट्टे में खूबसूरत सिंधी आज मिलते हैं? अभी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में सिंधी घोड़ा ज्यादा चलता है और मिलते भी अच्छे है। अच्छा, कच्छ भुज में? कच्छ भुज में मिलता है, लेकिन वो छोटे वाला होता है, कच्ची सिंधी जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ, ये कच्ची ब्रीड बोलता है, उसकी हाइट ज्यादा ही नहीं होती, 57 से नीचे रहती है वो। आपके गुजरात प्रदेश में तीनों ब्रीड मुकम्मल पाई जाती है, सिंधी भी है और काठियावाड़ी मारवाड़ी और बेसर भी है। एक और कौन सी बताए? ये वो कान से सिंध नहीं लगती, कान कुंडी नहीं लगता, बस ऐसे सीधे कान में उसको बेसर बोला जाता है। ये कहाँ पर है, कौन से पट्टे? ये हमारे बरोड़ा के कानम डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा ये ब्रीड है, सिंध रखते हो और ये बेसर रखते हैं। तो क्या हाइट रहती है इसकी? वो बस 57 से लेकिन 60 तक। वो भी चालबाज घोड़े होते हैं या फिर? ना, ये चलने वाली ब्रीड है, लेकिन मिक्स ब्रीड उसको बोलते हैं, मिक्स ब्रीड उसको बोलते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि इतना तजुर्बा है आपको, आज जो व्यापार कर रहे हैं और आप अपने ज़माने में जब पहली बार आपने घोड़ा खरीदा था वो व्यापार था, कितना अंतर मानते हैं इसमें? अभी तो जो पुराने था वो सही था, अभी तो जो पैसों के लिए चलता है, बड़ा हो जाता है, वो ठीक नहीं है। जो पुराने वाला था वो सही था। अच्छा, अब तो नौकर रखते हैं, घोड़ा लाते हैं, उसको भाई खिलाया पिलाया तो कुछ ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, ये तो घोड़ों का ये चलता है अभी। तो पहले खुद अपने हाथ से करना पड़ता? हाँ, हाथ से करते हैं, हम हाथ से, आज भी हम घोड़ा रखते हैं, हाथ से करते हैं। 40 साल से रखता हूँ, आज भी मैंने कोई मानस नहीं रखा। वेरी गुड। घोड़े को निलाने का, खिलाने का, उसको बांधने का, खुली में ले जाने का, मैदान में ले जाने का, उसकी लाज भरने का, सब हम जात से ही करते हैं, हम कोई को रखते नहीं। घोड़ों में क्या है, किसी के पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, तुम्हारा बनाया हुआ घोड़ा बिगड़ जाएगा, और कोई को देना ही नहीं चाहिए। ब्रीडिंग जब आप करवाते हैं इस घोड़े से तो बड़ा शांत रहता है, क्या रहता है? शांत रहता है बिल्कुल, हमारा घोड़ा तो बिल्कुल अच्छा ही, हम खुला ही मेटिंग करवाता है, हम घोड़ी देख ले घोड़ी पे आज घोड़ा खुला छोड़ना है तो हम उसको ही खुला छोड़ते हैं। अच्छा, घोड़ी पे कोई लंगर तिपेरा नहीं बांधते? कुछ नहीं, हम तनान पड़ के दामन भी नहीं देते, लगाम भी नहीं चढ़ाते, कुछ मुंगाई नहीं लगाते, ऐसे ही खुली मैदान में कर देते, बाद में हमारे घोड़े के रूम की खिड़की खोल देते, घोड़ा आके इसके पर मैटिंग करता है देख के ही। तो ये नेचुरल ब्रीडिंग करवाते हैं? नेचुरल ब्रीडिंग करवाते हैं। अच्छा, जैसे आज घोड़ी ने ठान दिया तो कई लोग सिले में भी घोड़ी भरवा देते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जो घोड़ी नहीं मानती है उसको छठी के दिन घोड़ा बताओ, लेकिन जो सही तरह के है, जो बच्चा कोल्ड होता है उसको 3 महीने के बाद दूध पिलाने बारने के बाद उसको घोड़ा माँ को बताओ, तो इसका जो जॉइंट है ऊपर वाला, जो कुदरत ने बनाया है ऊपर करोड़ का डंडा, वो सही हो जाता है, उसका पेट भी सही हो जाता है, बाद में उसको घोड़ा दिखाओ तो वो अच्छा रिजल्ट आता है, मानती है। तुरंत नहीं भरवाना? हाँ, तुरंत नहीं भरवाना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, शुक्रिया।
थैंक यू। ये घोड़ा बेचने के लिए लाए? हाँ, ये सेल करने के लाया हूँ और रिंग में उतारने के लिए लाया हूँ। उतारो रिंग में भी उतारो। गुजरात में अम्बोड़ के मेला में वो 24 महीने का था, तब विनर हुआ है और आज यहाँ ले आया हूँ, दूसरी कोई जगह पे नहीं लाया मैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद सर। ओके।